हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए हम अपनी यूनिट नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए, कल वाले वीडियो में हमने देखा था पोलराइजेशन बाय पोलराइजिंग शीट्स, पोलराइजेशन विद द हेल्प ऑफ सनग्लासेस, ये भी हमने देख लिया था। आज हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपके पास में अनपोलराइज लाइट है, यानी कि जो सूर्य से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज लाइट है, वो भी ले सकते हैं आप। और वो लाइट अगर आप इंसिडेंट रखते हैं, किस पे इंसिडेंट? बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, जैसे कि एक मीडिया आपके पास में, एक मीडियम एयर ले लो और दूसरा मीडियम ग्लास ले लो या फिर वाटर ले लीजिए, और उस अनपोलराइज लाइट को ऐसे इंसिडेंट आपको रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उन दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास में अनपोलराइज लाइट है या फिर अनपोलराइज रे है, उसको जो बाउंड्री है, जो इंटरफेस है, उस पे इस प्रकार इंसिडेंट रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री। क्लियर? फिगर में भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे नीचे ये देखिए, ये आपके पास में इंसिडेंट रे है, जब यहां पे इंटरफेस पे आएगी यानी बाउंड्री पे आएगी, ये जैसे मान लो ये एयर है और ये आपके पास में वाटर है। क्लियर? तो जब यहां पे ये बाउंड्री पे आएगी तो इस इंसिडेंट रे का कुछ पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में, ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर रिफ्रैक्टेड रे जो मिलेगी वो भी पोलराइज्ड होगी, और जो आपको रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी वो भी स्लाइटली पोलराइज्ड होगी। क्लियर? यही है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसका नेचर कैसा होगा, जो आपको रिफ्लेक्टेड रे के अंदर और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के अंदर पोलराइज लाइट मिल रही है, उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा लीनियरली पोलराइज लाइट होगी दोनों केसेस के अंदर। ठीक है? और जो द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगी वो क्या होगी, इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंटरफेस, यानी कि ये जो इंटरफेस है, ठीक है, इसके प्लेन के पैरेलल होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट, कि जो एंगल है उस एंगल को क्या नाम दिया गया है और क्या रिलेशन है। तो देखिए, यहां पे मैं सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं, जैसे ये मैंने मीडियम लिया था, यहां पे ये एयर था, मान लीजिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज N1 है, और इसी प्रकार से N2 क्या है, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर आपने ये ग्लास यूज किया है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर आपने ये वाटर यूज किया है तो N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि सेकेंड मीडियम। तो अब हम बात करते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके बारे में।
उसी को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है, क्या नाम दिया गया है, ब्रेवेस्टर एंगल, इसको हम थीटा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रेवेस्टर एंगल क्या है, अगर आप ऊपर फिगर में देखें तो ब्रेवेस्टर एंगल जो इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे आपको फिगर में दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी, दैट इज थीटा बी यहां पे दिखाया गया है, इसी थीटा बी को हम कहते हैं ब्रेवेस्टर एंगल, इसी स्पेशल एंगल को नाम दिया गया है ब्रेवेस्टर एंगल, क्योंकि जो इंसिडेंट रे ऐसे आपको बाउंड्री पे इंसिडेंट रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री बने, तभी पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं ब्रेवेस्टर एंगल को, दैट इज थीटा बी को। तो थीटा बी देखिए यहां पे इक्वेशन आपको दिखाई गई है, थीटा बी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, स्पेशल नाम दिया गया है ब्रेवेस्टर एंगल, साइंटिस्ट ने अपने नाम के बेस पे नाम दे दिया इसको, इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एन टू बाई एन वन, अब एन टू ऊपर बताया जा चुका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, एन वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। क्लियर? आगे हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट ब्रेवेस्टर लॉ। तो ब्रेवेस्टर लॉ क्या कहता है कि मैक्सिमम पोलराइजेशन आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर? तो ब्रेवेस्टर लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम पोलराइजेशन विल हैपन। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा आपको पोलराइजेशन आपको मिलेगा यदि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, और इसी को आप मैथमेटिकली ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा बी इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। ऊपर वाली इक्वेशन में हमने देखा कि अगर आप ये जो टेंजेंट है थीटा बी के साथ में, ये टेंजेंट, इसको अगर इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो आप एन टू और एन वन से देख पा रहे हैं इक्वेशन के अंदर, ये पर्टिकुलर मीडियम के लिए एक नंबर ही है, और यही वो नंबर है जो डिसाइड करता है मीडियम के नेचर के बारे में, कह लीजिए आप, और मीडियम का नेचर आगे क्या फर्दर डिफाइन करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, कि कितना फास्ट या कितना स्लो वो लाइट ट्रेवल करेगी उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। तो इट इज डिसाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे एन टू और एन वन से हमने रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं ये। तो उम्मीद है छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।